नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं घनानंद कवित्त के पद संख्या 25 से लेकर 30 तक के पदों की व्याख्या को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पद आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त से लिए गए हैं। पद संख्या 1 से लेकर 24 तक के पद की व्याख्या भी आपको साहित्य गंगा के प्लेलिस्ट में घनानंद फोल्डर नाम से मिल जाएगी। आइए व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ते हुए पद का सस्वर वाचन करते हैं, जो कि सवैया है। जाने के रूपे लोभाए के नैननी बेची करी अध बीचे ही लौंडी फैली गई घर बाहरी बात सुनी के भई इने काजे कनौंडी क्यों करी था लही गने आनंद चाह नदी तट ही अति औंडी हाय दई न बिसासी सुने कछु है जग बाजती नेह की ढोंडी। आइए पद में स्थित सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। नैननी अर्थात नेत्र, बेची अर्थात विक्रय करके, अधबीज अर्थात आधा आधा, लौंडी अर्थात दासी चेरी, जान अर्थात सुजान प्रिय, रूप अर्थात सौंदर्य, लुभाय अर्थात लुप्त होकर, लौंडी दासी चेरी, कनौंडी बदनाम, ढोंडी अर्थात डुगडुगी। यहाँ पर वीरा व्यथिता नायिका नायक से प्रेम करके अपने भाग्य को रो रही है। जब तक प्रिय उसके पास था तब तक तो प्रेम की बात छिपी हुई थी, लेकिन जब प्रिय नहीं है तो नायिका का विरह जनित दुख इसके प्रेम का ढिंढोरा पीट रहा है। घर और बाहर के सारे लोग इसके प्रेम के बारे में जानने लगे हैं। प्रेम की इसी अवस्था का चित्रण करते हुए कवि नायिका के विरह का निरूपण कर रहा है। अब आइए इसकी व्याख्या को देख लें। जान के रूप लुभाए के नैननी बीची करी अध बीच ही लौंडी। उस जान प्रीतम के सुंदर रूप पर रीछ कर इन नैनों ने मझधार में ही मुझ नायिका को लाकर दूसरे के हाथ बेच दिया है। फैली गई घर बाहर बात सु नीके भई इन काज कनौडी। घर तथा बाहर हर जगह ये बातें फैल गई हैं, जिसके कारण मेरी अच्छी बदनामी हुई है। क्यों करी था लहे घन आनंद चाह नदी तट ही अति औंडी। घनानंद कहते हैं कि भला इस प्रेमी सरता की थाह कोई कैसे पाए, यह तो किनारे पर ही अत्यंत गहरी है, अर्थात प्रेम के आरंभ में ही अत्यंत या अनेक कठिनाइयां हैं। हाय दई न बिसासी सुने कछु है जग बाजती नेह की ढोंडी। मेरे प्रेम की डुगडुगी संसार में बज रही है, अर्थात मैं हर जगह बदनाम हो गई हूँ, लेकिन फिर भी वह विश्वासघाती कुछ भी नहीं सुनता। दोस्तों, यहाँ पर विरह के प्रेम का दुराव नहीं किया गया है, विरह की अतिशयता का चित्रण किया गया है। प्रेम परवशता देता है, अर्थात प्रेम परवश कर लेता है। प्रेम का वैशिष्ट प्रेम का उजागर होना है, जिससे लोकापवाद तो होता है, उसी को प्रेमी प्रिय की कृतज्ञता मानता है। प्रेम की गहराई का था नहीं पाया जा सकता। संस्कृत में भी कहा गया है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुका स्वाद गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षणम वर्धमानम। किसी शायर ने खूब कहा है, पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे, जब चाह हुई मिलने की जरा मुख चंद को कैसे छिपाने लगे। दोस्तों, काव्य सौंदर्य में भाव साम्य आप जरूर करिएगा, जिससे आपके अंक में निश्चय ही वृद्धि होगी। आइए इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, हम उस पर भी विचार कर लें। श्लेष रूपक विशेषोक्ति तथा छेकानुप्रास से यहाँ सुंदर छठा बनी हुई है। अलंकारों के प्रयोग से कविता में एक गरिमा तो आई है, साथ ही साथ सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आइए
अगले पद की ओर चलते हैं जो कि दोहा है। जान राय जानत सबै अंतर्गत की बात क्यों अजान लो करत फिरी मोह घायल पर घात। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ को देख ले। जान राय अर्थात सुजान, राय सज्जनों में श्रेष्ठ, अंतर्गत हृदय की, अजान लो अपरिचित की तरह, घात अर्थात आघात। दोस्तों प्रस्तुत इस दोहे में प्रिय के प्रति प्रेमी की उलाहना भरी उक्ति है। यहाँ नायिका यह जानती है कि हम कहें न कहें प्रिय को इस बात की सारी जानकारी है कि हम कैसे हैं, किंतु स्थिति यह है कि अज्ञानी के समान वह आचरण कर रहे हैं, अर्थात जान के भी अनजान बने हैं। अब आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। जान राय अर्थात प्रिय, जानत सभी सब कुछ जान रहे हैं, अंतर्गत की बात मेरे हृदय की बात को, क्यों अजान लो करत फिरी फिर भी अजान अर्थात अज्ञानी की तरह इधर उधर हमारी बातों पर ध्यान न देते हुए मुझ घायल पर, मोह घायल पर घात, मुझ घायल पर और भी घात कर रहे हैं। नायिका अपने प्रिय पर पूरी तरह से अनुरक्त है। केवल अनुराग ही होता तो कुछ और बात होती। नायिका उसी प्रिय के अनुराग जनित विरह में भी जल रही है। विरह की यह जलन ताप की अतिशयता की सीमा को पार कर चुकी है। संपूर्ण अंतःकरण उसी आग में तप रहा है। नायिका विवल है। उसके सारे सुख, सारी सामाजिकता, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ खो गई है। इन सारी बातों की जानकारी हमारे प्रिय को भी है, यह वह जानती है, क्योंकि प्रिय ही किसी प्रेमी के मन की बात को जान सकता है। एक नीति का दोहा है कि घायल की गति घायल जाने। प्रस्तुत इन पंक्तियों में विरह का बड़ा ही वैचित्र पूर्ण कथन है। प्रिय अज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि विरह का कारण भी वही है। प्रिय चाहे जहां रहे प्रेमी के अंतःकरण की बात तो वह जानता ही है। सबसे अच्छा जानकार होते हुए भी अज्ञानी सा वह आचरण कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारे भारतीय नारी के चित्रण का भी दर्शन होता है। नारी जब किसी से प्रेम करती है तो उसे अपना देवता मानती है। प्रस्तुत इन पंक्तियों में उपमा और अनुप्रास की सुंदर छटा विद्यमान है। आइए अगले पद की ओर चलते हैं जो कि सवैया है। लही रही हो सदा मने और को देवो न जानते जाने दुलारी, देखो न है सपने हूँ कहूँ दुख त्यागे सकोच और सोच सुखारे, कैसे संजोग वियोग धो आही फिरो घन आनंद हवि मति वारे, मोगति बुझी पर तब ही जब हो हूँ घरिक हूँ आप ते न्यारे। अब आइए इस पद में सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। ले ही रहे हो, लेते ही रहे हो, और को दूसरों को, दीबो दीना जान मने सुजान, दुलारे अर्थात प्यारे, बुझी परी जान पड़ता घरिक घड़ी भर के लिए। प्रस्तुत इस पद में नायिका ने सर्वात्मन प्रिय को प्रेम किया है और प्रिय उसे प्रेम की अगाधता की ओर न सोचकर विरह की पीड़ा को महसूस नहीं करता, उसकी दर्द का एहसास नहीं करता। संजोग और वियोग में अंतर न महसूस करती हुई नायिका यह स्पष्ट करती है कि हमारे प्रिय को कभी न कष्ट पड़ा है, न उसे किसी तरह की चिंता हुई है, न ही पीड़ा हुई है। तो भला जिसने पीड़ा को देखा ही नहीं, कष्ट को भोगा ही नहीं, वह हमारी व्याकुलता को कैसे समझ सकता है। इसी तथ्य का निरूपण कवि ने इस छंद में किया है। लही रही हो सदा मन और को देवो न जानत जान दुलारे, तुम सदा दूसरे का ही मन लेते रहे हो, प्यारे सुजान अपना मन दूसरे को देना नहीं जानते, देखो न है सपने हूँ कहूँ दुख त्यागे सकोच और सोच सुखारे, तुमने सपने में भी
कभी दुख को नहीं देखा। संकोच और शोक से रहित तुम सदा सुख में रहे हो। कैसो संजोग वियोग धो आही, फिरो घन आनंद हवि मतवारे। तुम नहीं जानते कि संयोग और वियोग में कैसी दिल पर हृदय पर बीतती है। तुम तो सदा मतवाले हुए घूमते रहते हो। मोगति बूझी परे तब ही जब हो हूँ घरीक हूँ आपते न्यारे। मेरी दशा तुम तभी समझ सकते हो जब पल भर के लिए अपने से अलग हो जाओ, अर्थात अपने को भूल जाओ। कवि यह स्पष्ट करता है कि सुखी व्यक्ति वियोग की पीड़ा को नहीं समझ सकता। पीड़ा की अतिशयता, अंतःकरण में अव्यवस्थित प्रिय की स्थिति के नाते संयोग और वियोग के अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। कवि नायक से स्पष्ट करता है कि आप स्वयं से यदि एक घड़ी के लिए अलग हो जाएं, तो फिर आपके अलग होने से कितना कष्ट होगा यह आपकी समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति प्रेम के प्रपंच में पड़ता है तो वह स्वयं को भी भूल जाता है। जमाने भर की उलाहना, अपनों का तिरस्कार, न जाने कैसी कैसी व्यथा को उसे सहना पड़ता है। इन्हीं सब बातों की ओर नायिका इशारा करती है नायक से कहते हुए। प्रस्तुत इस पद में व्योग सिंगार के साथ साथ श्लेष तथा छेकानुप्रास है। अब आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। खोई दई बुद्धि सोई गई, सुधी रोई हसे उन्माद जग्यो है। मौन गहे चकी चाकी रहे, चली बात है ते न दाह दग्यो है। जाने पर नहीं जाने तुम्हें, लखिता ही कहाँ कछुआ ही खग्यो है। सोचनी ही पचिए घने आनंद, हित पग्यो की धो प्रीत लग्यो है। अब आइए इस सुंदर से छंद की कठिन शब्दों को देखें। खोई गई अर्थात खो दिया, सोई गई सुधी स्मृति सुप्त हो गई, जग्यो प्रभावी हो गया, चकी आश्चर्य पूर्वक, चाकी रहे अस्थिर रहती है, दाह अर्थात विरह ताप, दग्यो दाग दिया जला दिया, जान परे समझ में आती, आही अर्थात पीड़ा, खग्यो समाया हुआ है, पचिए दुखी होना, हित प्रेम। दोस्तों यहाँ विरह की उन्माद दशा में नायिका का अविष्ट सा आचरण करते हुए दिखलाया गया है, जिसे देखकर यह संदेह होता है कि नायिका ने प्रेम किया है अथवा उसे भूत प्रेत लगा है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में मना स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। अब आइए व्याख्या को देखें। खोई दई बुद्धि सोई गई, सुधी रोए हंसे उन्माद जग्यो है। यहाँ प्रेमी की उन्माद अवस्था का एकीकरण प्रेत लगने की दशा के साथ किया गया है। सुजान प्रीतम से एक सखी अपनी प्रिया सखी का हाल कहती है। उसने तो अपनी समस्त बुद्धि खोई दी है, अर्थात खो दी है, अर्थात वह चेतना शून्य हो गई है, उसके होश जैसे सुसुप्त हो गए हैं। कभी रोती है कभी हंसती है, न जाने कैसा उन्माद उसके हृदय में जागृत हो गया है। मौन गहे चकी चाकी रहे, चली बात है ते न दाह दग्यो है। कभी बिल्कुल चुप पड़ी रहती है, कभी चौंक चौंक कर उठती है, बात चलने पर केवल एक ही वाक्य बोलती है, क्या तूने ये आग नहीं लगाई। जाने परे नहीं जाने तुम्हें, लखिता ही कहां कछु आही खग्यो है। हे सुजान, समझ नहीं आता कि तुम्हें देखने के पश्चात न जाने उसे क्या हो गया है। सोचन ही पचिए घन आनंद, हेत पग्यो की धो प्रेत लग्यो है। हम तो सोच सोच कर मर रही हैं, पता नहीं चलता कि वह प्रेम में पगी है अथवा उसे कोई भूत प्रेत लग गया है। दोस्तों जब कभी किसी को बहुत अधिक आघात लगता है तब वह व्यक्ति स्मृति विहीन हो जाता है। प्रिय के वियोगा अवस्था में नायिका ने भी अपनी स्मृति खो दी है। वह कभी रोती है कभी प्रिय का स्मरण कर हंसने लगती है। इस प्रसंग में वह संयोग कालिक क्षणों को याद करती है
और जब उसे वियोग की दूरी तथा प्रिय के न मिलने की चर्चा होती है या प्रिय के न मिलने से जो उसे कष्ट होता है उसे ध्यान में लाकर वह रोने लगती है। इस प्रकार वह उन्माद से युक्त हो गई है। कभी वह सारी स्थितियों को सोच सोच कर रोने लगती है और कभी प्रिय के प्रेम में मग्न होकर हंसने लगती है। कभी वह एकदम मौन हो जाती है और कभी एकदम चंचल की भांति आचरण करती हुई कुछ कुछ बकने लगती है। यह अतिशय ताप के कारण हो रहा है। प्रायः जब ताप की अतिशयता हो जाती है तो व्यक्ति कुछ न कुछ अनाप शनाप बकने लगता है। नायिका विरह ताप की अतिशयता से कुछ न कुछ बक रही है। उसका शरीर मानो आग से दाग दिया गया हो। दागना दो तरह का होता है, एक तो यह कि जलन किसी पहचान को व्यक्त करती है और दूसरा दागना पीड़ा को कम करने के लिए होता है। प्रतिपाद या उद्देश्य चाहे जो भी हो, किंतु दागने से अति ज्वलनशीलता तो होती है। दोस्तों, यहाँ प्रेम की उन्माद अवस्था का निरूपण है। प्रेम बुद्धि व्यापारी नहीं होता। मौन होना, चकित होना, बकबकाना आदि उन्माद के लक्षण हैं, जिसे देखकर यह संशय होता है कि नायिका उन्माद से युक्त है अथवा किसी के प्रेम में वियोगिनी है। प्रस्तुत इस छंद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो कि कवित्त है। घेर घबरानी उबरानी ही रहती घन आनंद आरती राती साधनी मरती है। जीवन आधार जान रूप के आधार बिनु व्याकुल विकार भरी खरी जुजरती है। अतन जतन ते अनखियर सानी वीर प्यारी पीर भीर क्यों धीर न धरती है। देखिए दशा असाध आखिया निपेटनी की भस्मी विथा पे नित लंघन करती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस कवित्त के कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। घेर अर्थात घिराव, प्रेम की सघनता। घबरानी अर्थात परेशान होना। उबरानी उछटी हुई। आरती दुख। राती अनुरक्त। साधन इच्छाओं से, लालसा से। जान प्रिय विकार भरी दुखी। खरी अत्यधिक। प्रस्तुत इस पद में नायिका विरह में जल भून रही है। इसकी स्थिति यह हो गई है कि प्रिय के बिना अब वह जीवित नहीं रह सकती। प्रिय की वियुक्त अवस्था में नायिका ने अपने सारे सुखद कार्य को त्याग दिए हैं। आभरण आभूषण अधिक सिंगारिक सामग्री तो दूर, उसे अब विरह के ताप को दूर करने वाले तत्व भी जलाने लगे हैं। अब आइए इसकी व्याख्या को देखें। घेर घबरानी उबरानी ही रहती घन आनंद आरती राती साधनी मरती है। रोग से घिरी हुई घबराकर ये सदा उभी रहती है। घनानंद कहते हैं कि यह विरह में पड़ी साधना में पचती रहती है। जीवन आधार जान रूप के आधार बिन व्याकुल विकार भरी खरीजू जरती है। जीवन के आधार सुजान प्रीतम के रूप में देखे बिना अनेक विकारों से भरी हुई आंखें व्याकुल होकर सदा जलती रहती है। अतन जतन ते अनखी अरसानी वीर प्यारी पीर भीर क्यों हूँ धीर न धरती है। हे सखी, नेत्रोपचार से चिढ़कर उसने उदास हो मुंह फेर लिया है। वेदना के अधिक से वह प्रिय सखी किसी भी प्रकार का धीरज नहीं धर पाती। देखिए दशा असाध अखियां निपेटनी की भस्मी विथा पे नित लंघन करती है। इन पेटू अखियां की असाध दशा तो देखिए। एक तो ये स्वभाव से अधिक खाने वाली हैं, पेटू हैं, अर्थात रूप को बार बार देखकर भी तृप्त नहीं होती और अब इन्हें भस्मी रोग लगा है जिससे भूख और भी भड़क उठती है। जिस पर ये आजकल लंघन कर रही हैं, अर्थात प्रिय के दर्शन इन्हें नहीं हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विरह ताप को कम करने के सारे उपचार व्यर्थ नहीं होते, वरन विपरीत हो जाते हैं। यह नायिका जो प्रिय की पीड़ा के समूह रूप में
होने पर भी प्रिय के प्रेम में निमग्न रहती है, अब वह धैर्य धारण नहीं कर पाती। कवि कहता है कि इन आंखों की दशा तो विचित्र है, इनका कष्ट असाध्य है, इनका कोई उपचार नहीं, ये तो मानो इस तरह व्यथित हैं कि भस्म ही हो जाएगी। प्रिय के अभाव में यह अपने गुण धर्म से विरत हो रही हैं। तात्पर्य यह है कि प्रिय की प्रेम व्यथा से व्यथित आंखें अब देखना भी बंद कर रही हैं। इनकी दशा वही है जो भस्मक रोगी की होती है। भस्मक रोगी चाहे जितना खाए उसका पेट नहीं भरता। यहाँ नायिका विरह के ताप से तप्त है। विरह ताप को दूर करने के सारे उपचार यहाँ विपरीत धर्मी बन गए हैं। आंखें प्रिय के दर्शन की लालसा में जल रही हैं। दोस्तों यहाँ पर विरोधाभास अनुप्रास यमक श्लेष तथा छेकानुप्रास अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं जो कि कवित्व है। बिकच नलिन लख सकुचि मलिन होती, ऐसी कछु आँखी ने अनोखी उर झनी है। सौरभ समीरे आए बहकी दहकी जाए, राग भरे ही अमी बिराग मुर झनी है। जहाँ जान प्यारी रूप गुण को नदीप लहे, ताहा मेरे जो परे विषाद गुर झनी है। हाय अटपटी दशा निपट चटपटी, सो कयो हूँ घनानंद न सूझे सुर झनी है। अब आइए दोस्तों इस कवित्व में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। बिकच अर्थात विकसित, नलिन अर्थात कमल, लखी देखकर, उर्झनी उलझन, सौरभ सुगंधित, समीर वायु। प्रस्तुत इस कवित्व में नायिका की विरह दशा का चित्रण है। प्रायः ऐसा पाया जाता है कि संयोगावस्था की वे समस्त स्थितियां जो सुख का आधार हुआ करती थीं, आज सब की सब दुखद बन गई हैं। कमल का खिलना, शीतल मंद सुगंधित पवन का चलना, सब कुछ दुखी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुखद स्थिति में भी वह सुख की अनुभूति कर रही है और वह इस दुख से मुक्ति पाना नहीं चाहती। अब आइए इस पद की व्याख्या को देखें। बिकच नलिन लख सकुचि मलिन होती, ऐसी कछु आँखी ने अनोखी उर झनी है। खिले हुए कमल को देखकर संकुचित होकर कांतिहीन हो जाना, आँखों के साथ कुछ ऐसी ही अजीब उलझन आ गई है। सौरभ समीर आए बह की दह की जाए, राग भर ही में विराग मुर झनी है। सुगंधित वायु के लगने से जलन उत्पन्न हो रही है तथा प्रेम में भरे हृदय में विराग की मुर झाहट छा गई है। जहां जान प्यारी रूप गुण को न दीप लहे, ताहा मेरी जो परे विषाद गुर झनी है। जहाँ सुजान प्रीतम के रूप तथा गुणों का दीपक नहीं जलता, वहाँ मेरे जी में विषाद की गांठें पड़ जाती हैं। हाय अटपटी दशा निपट चटपटी, सो कयो हूँ घनानंद न सूझे सुर झनी है। हाय मेरी दशा तो दिन पर दिन शीघ्रता से अटपटी होती जा रही है, कोई समाधान भी नहीं सूझता। खिले हुए कमल को देखकर नायिका के नेत्र भी मलिन होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर संयोग के सुखारी तत्व वियोग में दुखदाई बन गए हैं। यहाँ कवि अपनी प्रेमिका के लिए इसी तरह के वातावरण की चर्चा करता है। नायिका के नेत्र कमल के फूल के समान थे, इनके सौंदर्य को देखकर कमल भी छिप जाया करता था। इन नेत्रों के सुंदरता की समता नहीं कर पाता था, इसी से वह जाकर जल में छिप जाता था। प्रिय के न रहने पर अब वह कमल भी खिलने लगा है। खिलने का तात्पर्य यह है कि अब वे कमल तनिक भी संकोच नहीं कर रहे हैं। अब वह गति उलट गई है या उल्टी हो गई है। खिले हुए कमल को देखकर नायिका के नेत्र भी मलिन होने लगे हैं। कहने का तात्पर्य है कि नायिका की नेत्रों की सुंदरता की समता न करते हुए भी वह कमल
जब छिप जाता था, आज प्रिय के न होने पर भी वह आंखें दिखा रहा है और एक प्रकार से नायिका को चिढ़ा रहा है। नेत्रों में एक नवीन विचित्रता दिखाई देने लगी है, इसकी गति विपरीत हो गई है। शीतल मंद और सुगंधित वायु जो चलकर प्रिय के होने पर हृदय को बहका दिया करती थी, हृदय को आनंदित करती थी, किसी और को ध्यान में आने नहीं देती थी, आज वही समीर मानो उसे जला रही है। जिस समीर के चलने पर हृदय उसका अनुरंजित होता था, आज वह तड़प रहा है। प्रिय की वियोगावस्था में विरक्त होकर उसका हृदय मूर्छित हो रहा है, मुरझा रहा है, सूख रहा है, नीरस हो रहा है। जब तक प्रिय के रूप गुण रूपी दीपक के प्रकाश को नायिका नहीं पा सकेगी, इसके लिए सर्वत्र अंधकार ही अंधकार रहेगा। प्रस्तुत इस पद में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की सुंदर छटा विद्यमान है। वियोग श्रृंगार लगभग 6 पदों में उपस्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि पद संख्या 25 से लेकर 30 तक की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।